कल हम लोगों ने देखा है, क्या पढ़ा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन में हम लोगों ने देखा, सबसे जो पहला था दिख रहा है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने डेफिनेशन लिखा था। डेफिनेशन क्या लिखा था आपने? दिख रहा है ना लिखा हुआ? चलिए, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने देखा था कि जो कि एपेक्स पे प्रेजेंट हो, एपेक्स यानी टिप पोर्शन पे प्रेजेंट होता हो। अब ये टिप पोर्शन कहाँ पे? तो रूट टिप्स है ना, रूट टिप्स पे या सूट टिप्स पे, है ना, रूट टिप्स पे और सूट टिप्स पे प्रेजेंट हो सकता है। तो याद रखना ये है इसमें कि जो रूट टिप्स पे प्रेजेंट होगा उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, और जो सूट टिप्स पे प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। हम स्ट्रक्चर अगर थोड़ा देखेंगे सूट एपिकल का तो इस तरह से दिखता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम ऐसे करके दिखता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम इस तरह से, ऐसा ऐसा रहता है। बड़ा करके देखने पर सूट एपिकल मेरिस्टेम को हम बड़ा जब करते हैं, सूट एपेक्स को जब हम बड़ा करते हैं तो ऐसा दिखता है एपेक्स पोर्शन। एपेक्स पोर्शन ठीक है। ये जो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन होता है एपेक्स, ये है सूट एपेक्स, सूट एपेक्स ठीक है। और ये लैटरल पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट निकला हुआ है ये पार्ट एक्चुअली में क्या है, तो ये लीफ बनाता है, और यहां से ये जो पोर्शन छूट गया है ये पोर्शन से क्या है, न्यू ब्रांचेस अराइज हो सकते हैं, और यही पार्ट जो है फिर लैटरल मेरिस्टेम जो है यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, इस तरह से रहता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम इस तरह से रहेगा, ऐसे करके अरेंज हो जाता है लैटरल मेरिस्टेम ठीक है। सूट एपेक्स, रूट एपेक्स की बात करोगे तो रूट का जो पोर्शन होता है वो इस तरह से रहता है, ये इस तरह से ऐसे करके बनाते हैं रूट का एपेक्स पोर्शन, ये वाला पोर्शन रूट का ऐसे करके ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं रूट एपेक्स, और रूट एपेक्स जो है वो कवर्ड रहता है इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप, रूट कैप। और ये रूट कैप के नीचे में क्या है, तो रूट एपेक्स है, रूट एपेक्स है। तो ये जो रूट एपेक्स है ये, और ये जो सूट एपेक्स है ये दोनों जगह पे प्रेजेंट रहेगा एपिकल मेरिस्टेम ठीक है। यहां से डिवाइड करके ये आगे की ओर ग्रो करता है, और यहां से डिविजन करता है तो ये इधर की ओर ग्रो करता है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो ग्रोथ है प्लांट का वो बेसिकली किस पे डिपेंड है, एपिकल मेरिस्टेम पे डिपेंड है। और मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी ग्रोथ है ना, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, लेंथ इंक्रीजमेंट। अगर लंबाई बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रहा है, तो लेंथ बढ़ने को ही कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और अगर मोटाई बढ़ रही है तो मोटाई आता किसमें है, सेकेंडरी ग्रोथ में आता है। मोटाई मतलब गर्थ, डायमीटर बढ़ेगा, सर्कमफेरेंस बढ़ेगा ठीक है। तो ये बात हो गई। तो थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर लिखना कुछ बाकी था, आप उसको फिगर को समझ सकते हैं, क्या कह सकते हैं है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं द एपिकल मेरिस्टेम, द एपिकल मेरिस्टेम विच प्रेजेंट है ना, विच प्रेजेंट ऑन है ना, विच प्रेजेंट ऑन रूट टिप, रूट टिप है ना, रूट टिप कॉर्ड क्या कहलाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम,
रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसके बाद द एपिकल मेरिस्टेम, द एपिकल मेरिस्टेम व्हिच प्रेजेंट प्रेजेंट एट सूट एपेक्स या सूट टिप्स, सूट एपेक्स, सूट एपेक्स इज कॉल्ड सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये तो लोकेशन के बेसिस पर हो गया, तो इसके स्ट्रक्चर की तो कोई बात होगी नहीं। और स्ट्रक्चर जो हम अगर कहेंगे, तो इसमें अगर हम सेल को ढूंढने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जैसा सेल मेरिस्टेमेटिक में बना था वैसा ही सेल रहेगा, क्योंकि दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही टाइप है। तो फिर इसमें ये हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया और कहां क्या प्रेजेंट है उसके बेसिस पर नाम हो गया, और आ जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो इसके फंक्शन की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट टेक्स पार्ट इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इट मीन्स क्या होगा, दैट इज इंक्रीजेज लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द प्लांट बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है? नोट कर लिया? तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, बता दूं। चलिए दूसरा टॉपिक बनाएंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। फिगर में आपने देखा हुआ है, तो सेकेंड हो जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या होगा। The meristem tissue which present थोड़ा दूर होता है, which present away from apical meristem and at a node or internodal region, है ना, दूर है, बस apical meristem से दूर है, लेकिन कहाँ है तो ये मैंने लिख दिया, है ना, द मेरिस्टेम टिश्यू विच प्रेजेंट अवे फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम एंड एट अ नोड और इंटर नोडल रीजन ऑफ स्टेम और ब्रांचेस
है ना, इज कॉल्ड इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसमें कंटेंट ज्यादा कर दिया ताकि सब कुछ इसमें आ गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो नोड और इंटर नोड पे प्रेजेंट रहता है, क्या करेगा? टू इट जनरली कैसे करके फंक्शन लिख देते हैं इसमें। ठीक है, इट जनरली हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रांचेस एंड लीव। न्यू ब्रांचेस एंड लीफ निकलता है कहाँ से? तो इंटर कैलरी वाले पोर्शन। ठीक है, क्यों भाई? तो क्यों प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट यहां नहीं लिखते हैं, कर देते हैं, इट इंक्रीजेस। ठीक है, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट्स बाई इंक्रीजिंग इंटरनोडल लेंथ। अब इंटरनोडल लेंथ का मतलब क्या हो गया? कि जैसे आपने अगर देखा है बंबू देखा है या गन्ना देखा है सुगर केन, तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है इस तरह से, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये थोड़ा क्या रहता है? कम रहता है, फिर थोड़ा दूरी पर आ जाता है, फिर थोड़ा और दूरी पे आ जाता है, और फिर धीरे धीरे और क्या होता है? कम रहता है, फिर और जैसे जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा और कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नोड और ये जो दो नोड है इसके बीच में जो इंटर नोड वाला पोर्शन है, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ कैसे बढ़ेगा? तो इसका लेंथ बढ़ने के लिए मेन रूप से यहाँ कौन वर्क करता है? तो इंटर नोड पे वर्क कौन कर रहा है? तो इंटर नोडल लेंथ को बढ़ाता है, इंटर नोडल लेंथ को कौन बढ़ा रहा है? तो इंटर कैलरी मेरे से। ठीक है, तो ये बातें हो गई इंटर कैलरी के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से पत्तियां समाप्त हो जाती है और एक नोड जैसा प्रेजेंट होता है और नया लीफ बन जाता है, इस तरह से नया लीफ निकल जाता है या नए ब्रांचेस बन जाते हैं। तो ये पोर्शन जो है नोड का पोर्शन, यहाँ से नए लीफ या न्यू ब्रांचेस अराइज हो सकते हैं इंटर नोडल पोर्शन। मिटा दो इसको। अब आगे देखो, समझते हैं इसको, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ये लैटरल मेरिस्टेम जनरली कहाँ प्रेजेंट रहेगा? तो ये प्रेजेंट रहता है लैटरल पार्ट यानी साइड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऊपर से नीचे की ओर प्रेजेंट रहता है। मतलब इस तरह से देखो, प्लांट जो बनाया था इस तरह से, एक जो व्यू बनाया था, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से, है ना, ऐसे करके पढ़ा था आपने, इस तरह से आप देखो यहाँ पे। तो ये इस तरह से मार्जिनल पोर्शन में प्रेजेंट रहता है, ये दिखाने के लिए, है ना, इस तरह से ये प्रेजेंट होगा, ऐसे करके रहता है, ये किनारे में प्रेजेंट रहता है ना। आपने देखा कि जो आपका यहाँ पे
लैटरल मेरिस्टेम आपने देख ही लिया, इंटर कैलरी आपने देख ही लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटर कैलरी का पोर्शन हो गया, ये एपिकल का पोर्शन हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम का है। बस इसमें भी डिफरेंस ये है कि ये जो किनारे वाला पार्ट है ये कॉर्क कैम्बियम का पार्ट है, और ये जो सेंटर का पार्ट है ये होता क्या है, ध्यान देंगे, लैटरल मेरिस्टेम में कहा गया है कि लैटरल मेरिस्टेम जब डिवाइड करेगा, ध्यान दोगे, लैटरल मेरिस्टेम डिवाइड करता है बाई डायरेक्शनल, लैटरल मेरिस्टेम में डिवीजन क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है। जब ये डिवीजन इधर की ओर करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा कॉर्क कैम्बियम का, और जब सेंटर की ओर डिवाइड करेगा तो फॉर्मेशन करेगा वैस्कुलर कैम्बियम का। तो इधर ये डिवाइड करके बनाता है कॉर्क कैम्बियम, और इधर डिवाइड करके बनाता है वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। यानी कुल मिलाकर के अगर हमें समझ में यहाँ आ रहा है तो जाइलम एंड फ्लोयम का जो फॉर्मेशन है, जाइलम एंड फ्लोयम का जो फॉर्मेशन है वो भी किसके हाथ में है, तो लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, यहाँ से डिवाइड करता है वैस्कुलर कैम्बियम और इधर कॉर्क कैम्बियम। चलिए अब समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच विच प्रेजेंट लैटरली, है ना, विच प्रेजेंट एट, ऐसे लिख सकते हैं, विच प्रेजेंट एट लैटरल पार्ट और साइड, ठीक है, लैटरल पार्ट में प्रेजेंट होगा या साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, लैटरल पार्ट और साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ऊपर से नीचे की ओर, साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होगा, साइड में होगा, यानी सेंटर से साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम कहते क्या है, लैटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट लैटरल पार्ट और साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम। क्या कहेंगे इसको, लैटरल मेरिस्टेम। कर लीजिए डेफिनेशन, हो गया, ठीक है, चलिए ध्यान देंगे क्या करता है ये। तो ये फॉर्मेशन करने का काम करता है, इधर से कॉर्क कैम्बियम, ये आगे लिख सकते हैं लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम फॉर्मिंग इज ऑफ टू टाइप, ऐसे लिख सकते हो, इज ऑफ टू टाइप, क्या हो जाएगा, कॉर्क कैम्बियम, ये क्या होता है, पेरिफेरल होता है, एंड वैस्कुलर कैम्बियम सेंट्रल होता है, ठीक है। अब यहां पे ये है वैस्कुलर कैम्बियम इंक्रीज द गर्थ, मोटाई बढ़ा देता है, गर्थ ऑफ स्टेम
एंड ब्रांच, एंड क्या करता है, एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसिंग, और प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी, क्या बनाता है, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू यानी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, ये काम कर रहा है, क्लियर है। हो गया, तो कुल मिला के फंक्शन क्या हो गया इसका, फंक्शन हो जाएगा इट हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट दैट इज इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगा, दैट इज इंक्रीज गर्थ और थिकनेस, मोटाई, थिकनेस ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस, प्लांट लिखो ना, डायरेक्ट लिखो प्लांट, चलो हो गया। तो अब ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट, अभी पढ़ना है क्या पढ़ेंगे, अब मेरिस्टेमेटिक हो गया कंप्लीट तो क्या पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ना है, कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू, तो टॉपिक बनाएंगे परमानेंट टिश्यू, क्या होगा परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन और कैसे बनता है ये, तो परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन ये है कि जिसने अपनी डिवीजन एबिलिटी लॉस कर दी हो या जिसके पास डिवाइड करने का पावर नहीं हो तो उसको हम कह सकते हैं कि वो परमानेंट हो चुका है, अब वो डिवाइड नहीं करेगा तो वो परमानेंट हो चुका है ना, तो क्या होगा, आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, द टिश्यू व्हिच डज नॉट, है ना, द टिश्यू व्हिच डज नॉट हैव, द टिश्यू व्हिच डज नॉट हैव, does not have division ability, division ability, the tissue which does not have division ability is called permanent tissue, ये तो definition हो गया कि भाई जिसके पास division ability नहीं उसको कहते permanent tissue, कैसे बना होगा ये, बस simple बात है, कोई सिंपल बात आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपने कभी देखा होगा कि एक जो सीड है उस सीड को देखा होगा इस तरह से ग्रो करते हुए, इस तरह से, फिर यही सीड जो है धीरे धीरे क्या होता है और ग्रोथ हो जाता है और रूट भी बढ़ता है
और थोड़ा इसमें लीफ भी बढ़ता है। और फिर एकाएक आप देखते हैं कि ये जो आपको सीड कोटिलीडन दिख रहा है, ये कोटिलीडन हट जा रहा है, और फिर ये अपने आप में जो है डिपेंड हो जाता है नए लीफ के साथ, और धीरे धीरे यही प्लांट जो है फिर और बड़ा होता चला जाता है, और फिर कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ना, ऐसा करके ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो क्या हुआ, सोचो समझो कि यही ना था एक समय, इस तरह का जो ट्री था या प्लांट था वो ऐसा था, और धीरे 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 क्या हुआ, तो सोचोगे तो पता चलेगा कि कभी कभी क्या था कि ये पूरा का पूरा होल जो प्लान था वो मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में था। धीरे धीरे वही स्टेम देखो परमानेंट फॉर्म में भी अब आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही धीरे 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 समय बीता जाता है, ग्रोथ होता चला जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आफ्टर सर्टेन ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉसेस देयर डिविजन एबिलिटी, कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अरे बस समझ में मेरिस्टेम, हाँ तो दिख ही रहा है सामने से, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि वेन मेरिस्टेमेटिक, वेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस या लूजेस देयर डिविजन एबिलिटी, लूजेस देयर डिविजन कैपेसिटी, डिविजन कैपेसिटी एंड बिकम परमानेंट। ओके ठीक है, डिविजन एबिलिटी लॉस कर गया, बन गया परमानेंट। छोटा बच्चा ही तो एडल्ट बनता है ना, उसी तरह से छोटा पौधा ही मेच्योर प्लांट बनता है, इसी तरह से मेरिस्टेमेटिक ही परमानेंट बन जाता है। तो परमानेंट अब कितने तरीके का होता है, परमानेंट कितने तरीके का है, आपने पढ़ा आगे ट्री में बनाया था परमानेंट, हाँ परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप। तो इसके टाइप्स को हम पहले पढ़ेंगे, तो इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसका टाइप है पहला कि नंबर वन की बात करो तो इसके अंडर में वन डालेंगे और लिखेंगे सिंपल, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल पीटी लिख सकते हो या परमानेंट भी लिख सकते हो, सिंपल पीटी करो ना, ना लिख दो पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एसपीटी सिंपल परमानेंट टिश्यू। एनी प्रॉब्लम, अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन क्या होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल लिखना है, क्या लिखना है तो ध्यान देना, क्या हो जाएगा, द पीटी, पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू, द परमानेंट टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ, जो बना होगा, द पीटी व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह का सेल, कोई अलग नहीं, द पीटी विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल नोन एज एसपीटी। कितना अच्छा है, सिंपल सा तरीका,
में याद रहेगा, जो एक ही तरह के सेल से बना हो, बिल्कुल एक ही तरह का सेल्स हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एसपीटी बोलते हैं, सिंपल परमानेंट इशू बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? अभी जो एसपीटी है उसका कोई टाइप बनता है, एसपीटी इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, फॉलोइंग थ्री टाइप्स, ठीक है। तो फॉलोइंग थ्री टाइप्स में नंबर हम कर देते हैं रोमन में इस तरह से, वन ऐसे करके, तो इसके अंडर में पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ेंगे, परमा, ओ क्या है जी, पेरेन्काइमा, क्या है, पेरेन्काइमा टिश्यू लिखो, पेरेन्काइमा टिश्यू। अब वही कंडीशन फिर से आ गया, अभी जो परमानेंट टिश्यू में आप जो ये पेरेन्काइमा पढ़ रहे हो, तो ये पेरेन्काइमा का फिर से क्या बनेगा, पेरेन्काइमा का अब स्ट्रक्चर, फिर पहले इसका डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ये है कि भाई ये पेरेन्काइमा जो है वो एक तरह का एसपीटी है, एक तरह का एसपीटी है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है और इसका नाम पेरेन्काइमा है, तो कौन सा सेल का बना होगा खुद ही समझ लो। पेरेन्काइमा किस तरह के सेल्स का बना होगा, इसके सेल का क्या नाम होगा, कह रहे हैं कि पेरेन्काइमा टिश्यू एसपीटी है कि नहीं, पेरेन्काइमा टिश्यू एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो पेरेन्काइमा है वो किस सेल्स का बना होगा, इसके सेल का क्या नाम होगा, पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल का नाम क्या होगा, सिंपल, हम लोग इंडिया में रहते हैं, क्या कहलाते हैं, बिहार में रहते हैं, क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू है, क्या नाम होगा इसके सेल का, नहीं बुझाया, पेरेन्काइमा टिश्यू है तो इसके सेल का नाम क्या होगा, पेरेन्काइमा सेल, क्या होगा, पेरेन्काइमा सेल, सिंपल, यही तो बता रहे थे। तो कह सकते हैं इसको दो तरीके से मैं लिख सकता हूं, या ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि द सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल इज कॉल्ड पेरेन्काइमा टिश्यू, या ऐसे कह सकते हैं इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल, सिंपल, तो लिख सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ एसपीटी, समझ रहे हो ना जी, इट इज अ टाइप ऑफ एसपीटी एंड मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस, बस नाम में बोलने के लहजे को जोड़ दिया, ऐसे पेरेन्काइमा से लिख सकते हैं, बस पेरेन्काइमेटस ऐसे कर दो, तो इट इज अ टाइप ऑफ एसपीटी एंड मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस, ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना रहता है पेरेन्काइमा टिश्यू,
कैसा टिश्यू है मालूम है? इट इज अ लिविंग, ये लिविंग होता है, इट इज अ लिविंग टिश्यू, इट इज अ लिविंग टिश्यू एंड पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली नोन एज, नोन एज, इसका नाम क्या है मालूम? पैकेजिंग टिश्यू, पैकेजिंग टिश्यू भी इसको कहते हैं, पॉपुलरली इसको पैकेजिंग बोलते हैं, मालूम है क्यों? दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट प्लांट टिश्यू। और पैकेजिंग क्यों? जहां कहीं कोई टिश्यू नहीं ना है, पेरेन्काइमा वहां पे है, यानी ठीक उसी तरह से जैसे कैसे कहते हैं हम लोग, हवा, एयर, जहां कुछ नहीं वहां एयर है। तो उसी अनुसार से प्लांट टिश्यू में, प्लांट बॉडी में जहां कहीं कुछ नहीं है, कोई टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, तो वहां समझो कि पेरेन्काइमा वहां पे अपना जरूर प्रेजेंट रहेगा। आप फ्रूट खा रहे हो, पेरेन्काइमा खा रहे हो, ठीक है। आपने एक लीफ लिया हुआ है तो सबसे ज्यादा उसमें पेरेन्काइमा ही है। बाकी पेरेन्काइमा के अलावे जो टिश्यूज हैं वो स्पेसिफिक अमाउंट में होते हैं, एकदम डेफिनेट है, सर्टेन प्लेस है उसका और सर्टेन अमाउंट भी है, ज्यादा नहीं रहता। लेकिन ये जहां कहीं नहीं कोई है वहां पे ये जगह है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो इट इज अ लिविंग टिश्यू, ये लिविंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो डेड भी होते हैं, लेकिन इसीलिए लिखना पड़ेगा कि ये लिविंग टिश्यू है, ठीक है। अरे बात समझ में? चलिए तो समझते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को समझेंगे फिर इसके लोकेशन को समझेंगे। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मैं बना दूं आपको इसको इस तरह से, है ना, राउंड बना सकते हैं, ओवल भी बना सकते हैं, बस जनरली क्या है, आइसोडायमेट्रिक होता है, आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक होता है, समथिंग कुछ तो रहेगा ही, इतना भी तो सीधा नहीं ना बन जाएगा, क्लियर है? ओके, ध्यान देंगे। तो अब इसके अंदर क्या बनना है, बाहर क्या बनना है, तो इस तरह से हमने थ्री सेल्स का ग्रुप बनाया, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे तभी टिश्यू कहलाएगा। इसके अंदर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, इस तरह से बड़ा सा वैक्यूल रहता है, इस तरह से वैक्यूल रहता है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख गया कि मेरे सिमेटिक टिश्यू में तो वैक्यूल बनाया नहीं था और यहाँ पे वैक्यूल बन गया, है ना। पेरिफेरल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल होगा, लार्ज बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, पेरिफेरल न्यूक्लियस है ये। साइटोप्लाज्म भी पेरिफेरल होगा, इस तरह से आप साइटोप्लाज्म से डाल दीजिए, इस तरह से पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ऐसा करके। तो पेरिफेरल डेंस साइटोप्लाज्म है,
सेल वॉल कैसा है, थिन ही है। अब दूसरे सेल का इस तरह से मैं यहाँ पे दूसरे सेल का ये किनारा इस तरह से कट किया हुआ है ना, दूसरे सेल का ये किनारा कट किया हुआ, बाउंड्री लाइन ये है इस सेल का। दूसरे सेल का ये बाउंड्री लाइन, और उसका ये पोर्शन जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, वैक्यूल वाला ये एरिया, ये वैक्यूल वाला एरिया, इस तरह से हो गया। इसके किनारे में भी साइटोप्लाज्म दिखा दोगे, क्योंकि चलो पूरा सेल नहीं बना है तो न्यूक्लियस तो नहीं दिखा सकते, लेकिन साइटोप्लाज्म तो किनारे में दिख सकता है। बन गया स्ट्रक्चर। अब इसे स्ट्रक्चर को लेवल करो पहले। स्ट्रक्चर को लेवल कैसे करना है, तो ये हो गया सेल वॉल है ना, तीन सेल वॉल, मेटॉप ऑफ सेलुलोज, साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल न्यूक्लियस, पेरिफेरल न्यूक्लियस है, और एक सेल से दूसरे सेल के बीच में स्पेस दिख रहा है। तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये क्या होगा, इंटर क्या, इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहेंगे इसको, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर है? तो इस तरह से ये हो गया पेरेन्काइमा का। अब इसको इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर इसका लोकेशन लिखेंगे, फिर इसका फंक्शन करेंगे, और फिर अगले दिन ही पढ़ेंगे हम लोग पॉलेनकाइमा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात, इशू? अब अब ये कहोगे कि आप ये टिश्यू लाके दिखाइए जरा, कहाँ से दिखाइएगा आप हमको, तो मैं दिखा देता हूँ इसको आपको कहाँ से दिखाएंगे। तो अगर मान लिया ना आपने कि आपके पास एप्पल है, ठीक है, आप एप्पल मार्केट से खरीद के ले आई इस तरह से, आपने बाजार से एप्पल ले आया, ठीक है, आपने मार्केट से जो है वो सेब लाया। अब जो सेब आपने लेकर के आया हुआ है, इस सेब का क्या करो, आप स्लाइस लो, पतला सा स्लाइस आपने कट कर लिया, इस स्लाइस को इतना पतला कट करना है, इतना पतला कट करना है, इतना पतला कट करना है कि ये कैसा हो जाए, स्लाइस को इतना पतला कट करना है, इतना पतला कट करना है कि ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो सकता बट ट्रांसलूसेंट जरूर हो जाएगा, इतना पतला कट करना है। समझ रहे बात को, हाँ, आपको देखना है तो इतना पतला कट करना है, इतना थीन कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, और ट्रांसलूसेंट जब हो जाएगा तो इस पे स्टेन करो, स्टेन करो,
स्टेन करने का मतलब क्या है कि आप इसको कलर कर लो। अब कलर किससे करोगे, तो आपको याद रखना चाहिए प्लांट टिश्यू को कलर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सैफ्रनिन का, जो कि कैसा कलर का होता है, सैफ्रॉन कलर का होता है। इसको इस पे डालेंगे सैफ्रनिन को, ये हो जाएगा कलर्ड, और इसके बाद हम इसको रखेंगे कहाँ, स्लाइड पे, है ना, स्लाइड, रेक्टेंगुलर ग्लास आता है इस तरह से, स्लाइड पे रख देंगे। और स्लाइड पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो हमको ये कैसा दिख जाएगा, ये बिल्कुल ही हमको दिखेगा इस तरह से स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखेगा, इस तरह से इसके अंदर स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा वहां पे दिख रहा है, किनारे किनारे में इस तरह से रहेगा। आई बात समझ में, देखने के लिए एकदम प्रैक्टिकली देख सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये लेबोरेटरी कल आपके पास होना चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तभी देख पाते हैं। अब ये घर में ऐसा नहीं कि घर में आप देख लोगे, हाँ फिर थीन स्लाइस काट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अगले दिन हम करेंगे, अब